I'm
Thank you.
Thank you.
Thank you.
हमारे जो डॉक्टर साहब इनकी टीम जो ध्यान से और दिल्ली से जो आई उनका मैं बहुत आभारी हूँ और जयनगर और चंडीगढ़ समाज की तरफ से उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर सुधीर जैन अपने परिवार के साथ उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मीना जैन क्योंकि उनके सुमित जैन और जो इस जॉब के एक सुप्रसिद्ध मास्टर इसमें उन्होंने अपनी सेवाएं हमें दी, अपनी सुबह ही अपना पूरा दर्शन मामा पूरा अपना लेके ड्राइवर के साथ पहुंच गए। इवेंट की हमारा चार दिन में कोई कमी नहीं और कुछ कमी रहना अच्छी बात जो होती है तो मैं समझता हूँ शायद उससे आगे का हमें जो प्लानिंग आगे का जो काम करता है फिर आदमी उसको प्लानिंग से करते हैं। और डॉक्टर प्रिया जैन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पहुँच गए, सुबह दिल्ली से चले और रास्ते में बारी सब कुछ होते हुए अपनी सेवाएं और पत्र सबसे बड़ी बात कि अपने धर्म के प्रति हमें हमारा इलाज भी कर रहे हैं और धर्म के प्रति हमें आकर्षित भी कर रहे हैं अग्रसर भी कर रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और मैं फिर से आप सभी का बहुत आभारी हूँ और उस पर सोने पर सुहागा कि आज दीदी हमारे बीच में यहाँ विराजमान है। तो मैं दीदी से निवेदन करूँगा कि वो हमारे जो मेहमान डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे हैं उनको एक ट्रॉफी लगते थे सबके हर एक एक लड्डू दे करके आते थे और की बुक द्वारा की यहाँ भी जाएंगे क्योंकि दिगंबर साधु निमंत्रण से या बुलाने से भी जाते हैं, उनकी यदि कोई प्रतिज्ञा मिल जाए तो वो जाते हैं। तो वो फिर जिनके जिनके घर में चौका लगता था उनके घर लड्डू दे करके आते थे, उन्हीं राज को वो लड्डू के माध्यम से दवाई मिलती रही और उन्हीं राज क्या ठीक हो गए स्वस्थ हो गए, उन्हीं राज का मंगल आशीष भी मिला। तो कहते ऐसा करने से उन श्री कृष्ण को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया था। तो कहते हैं औषधि दान सबसे बड़ा दान होता है और जो जहाँ पर डॉक्टर लोग मरीजों को इस प्रकार की सांत्वना के माध्यम से यदि किसी को ठीक कर देते हैं तो उनका सारा परिवार कितना खुशी होता है। जैसे किसी को कैंसर बीमारी हो गई, अभी अब आपके पास में एक सर्जन आए होंगे अजय जी के सारे साहब, हाँ तो अब उनके तो अभी क्या छोटे छोटे से बच्चे हैं और परिवार में ऐसा कोई संभालने वाला नहीं है और यदि वो ठीक हो गए उनके बच्चों का उनकी बीवी अभी आपने देखी होगी तो कितना बड़ा लाभ एक मानकों को जाएगा। तो वो आपके लिए की तो सद्भावना आएगी और सद्भावना संप्रेषण का काम करती है। तो कहते हो दिया हुआ बुखार कभी भी खाली नहीं जाता है। जैसे पार्श्व कुमार ने नागनागर पर उपकार किया था लेकिन जिस समय उनके ऊपर विपत्ति पड़ी तो वो भी उपकार करने आए कि नहीं, तो आपको लाख व्यक्तियों का उपकार कर रहे इससे महान सेवा से बढ़कर के बहुत कौन सा दान हो सकता है। ये मानव जीवन का अपना कार्य है। तो आप लोगों के कार्य की बड़ी संभावना है कि आप लोग इस प्रकार से उसमें हम लोग सहयोगी बन सकें। तो यहाँ जैन धर्म के माध्यम से वैसे तो बहुत व्यक्तियों को लाभ, लेकिन इसमें भी ये भी है यदि इसका पुण्य नहीं है सामने की होने पर भी नहीं ली जा सकती है। तो जितने व्यक्तियों का पुण्य था आप लोगों का लाभ ले लिया और जब सोचते जो आए यहाँ पर जरूर ठीक हो जाए ताकि आपका भी उपकार हम रहे। तो इनके समाज में जो उपकार कार्य है कि यहाँ पर हम इतना आते रहे और मरीजों को देखते रहे।
इधर बैठ जाओ उड़िया। अर्जुन अर्जुन